So you two great friends, I'm assuming. आप लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो आपकी दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। Oh, चलो। So ये आपको मैं दे रहा हूँ एक नोटपैड, ठीक है? There you go. लग रहा है किसी स्कूल में आ गया है ना? What are you up to, man? So there you go. So now what I'll do is I'll ask you guys some questions, ठीक है? तो आपने जवाब अपना अपना लिखना है और देन दोनों को टैली करेंगे सेम होता है कि नहीं, ठीक है? So there's some factual based सवाल हैं, कुछ opinions हैं, it's a mix, ठीक है? Okay, so the first question is अगर अहसन खान को छुपा के लिखना, ठीक है? Obviously, so if अहसन खान को option मिलता नीलम मुनीर को फिल्म में हटा के किसी और को डालने का, तो किसको डालते? चलो, किसको डालते हैं? हाँ आंसर तो कैमरा को दिखाते हैं फिर दिखा दे कैमरा को क्या दिखा दे Did I mishear? No, I don't know. दिखा दे सबा कमर because सबा हम दोनों भी बहुत अच्छी लगती है और ऐसे नौ में हमेशा बात करते हैं उनकी एक्टिंग की तो मैं नीलम मुनीर को हटा के नीलम मुनीर को ही डालता cute अच्छा what was Neelam's first pay in the industry per day अगर पूछे first what pay first check you got per day वाला per day yeah I don't remember it now तो कम आता था यार हाँ कितने का मिला होगा चेक मुझे पहला हाँ पहला एक दिन का per day क्या मैं 10,000 and you did the same thing oh wow क्योंकि नीलम ने I think मुझे जो याद है because as a child star भी काम किया हुआ है अच्छा तो कहना काफी काम किया तो काम और ज़्यादा तो I think 10,000 भी एक बड़ी अच्छी payment है per day आज से 10 साल पहले perfect how old is Ahsan Khan जल्दी से लिखे नीलम सोचना नहीं है। One digit में लिखना क्या करूँ? Two digits में लिखूँ या एक line लिखूँ proper? बस age पूछिए। Number लिख दें बस। I know। आप answer मत देखिए उनका। नहीं मैं answer में Ahsan को देख रही हूँ। लिख दे यार। लिख दे यार। ऐसे तो मैंने देखा नहीं है उस तरह से ऐसे कितने साल का लगता है पूरी फिल्म में नहीं देखा यार तूने मतलब ये कभी जज बनके नहीं देखा जो लगता हूँ वो लिखते हैं यार चलो थर्टी एंड यू थर्टी तो बिल्कुल नहीं गई यार 36 मैंने अपने हिसाब से फिर भी बहुत बुलवाई दिया ऐसे कि age is very मतलब people want to know what how old is Ahsan काफी है on internet everywhere अपने हिसाब से तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखे थे नहीं यार बहुत कम लिखी मतलब कम लिखे थे you know that you know why नहीं यार ले okay ठीक है मैं कितने सीधे आपको बताऊँ जलेबी की तरह अच्छा if Neelam had to marry someone from the industry who would she marry industry why industry hypothetically एक्टर्स में से हाँ इंडस्ट्री में एक्टर डायरेक्टर कोई भी हाँ obviously डन अहसन खान did you write oh okay अच्छा अहसन खान appeared in a song called GT Road पे ब्रेका लगिया उसमें उनके साथ कौन थी उस गाने में उधर देखना नहीं आपने मैं उधर नहीं देख रही हूँ उसमें उनके साथ कौन थी हाँ ना, I'm just writing. खातून खातून का नाम क्या था? नहीं पता ना यार कौन थी? मिशी खान। ओह ओके। अच्छा मुझे नहीं पता वाकई में सॉरी। So Neelam appeared in a music video recently. तो उस गाने का नाम क्या था? Browd Hakka जो गाना था। Oh. Don't say you don't know. I've seen the song तुमने golden कपड़े पहने जवाद बशीर भी उसमें शायद। Yes 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 yes. I do not remember the name. Cheating हो सकती है थोड़ी सी। हाँ कर लेंगे। जब इब्राहिम का गाना तो उसमें बिल्लो या टिल्लो तो होगा ना तो बिल्लो तो लिख ही लेते हैं यार चलो। It was एथेराक। हाँ एथेराक। मैंने बिल्लो लिख दिया क्योंकि इब्राहिम। अभी उसके बीच में बिल्लो है ना। I'm almost right यार। अच्छा Ahsan Khan's best friend in the industry. बड़ा सांस वाला ऐसा आप देख के लिख रहे हो obviously I know ऐसा हाँ मैं तो कुछ लिखा नहीं तो one word हाँ सब कुछ नीलम है शादी नीलम से करती है वैसे नीलम है यार आप समझो क्या है देखें मोमेन आप तो काफी इंटेलिजेंट हैं we're also promoting the film. Yeah. So it has to be about the film. Okay. Yeah. And then we've been working since last 1 year on the film, so why not? Okay. I would like people to assume a lot of things here that we are very good friends. Okay. Your wife is seeing the show as well, Ahsan. I love my wife, and and also Neelam knows my wife very well. Yeah. So the last question: Neelam's most expensive purchase. मैंने जो recently देखा नीलम का expensive purchase. नीलम आप देखेंगे नहीं उधर आप. दो चीज हो सकती हैं. दो लिख सकते हैं. लिखते हैं. ऐसे तो लिखे जा रहा पता नहीं क्या. No. दिखाते हैं. Phone and bag. Oh, I forgot the phone. Okay, handbag मैंने लिखा हुआ है. Oh, I saw. How much is the bag for, if we may inquire? It was not that expensive, but it was. Gucci का bag तो अच्छा होगा. अच्छी price. चलें, you're pretty much in sync एक दूसरे के साथ. Really? No, मुझे तो ये पूरा लिखना था, मजा आ रहा था. इतने दिन से बोल के थक गए, लिखने को आप जाके मिला. So Neelam, we've seen you dancing on TV shows and all. आप काफी अच्छा dance करती हैं. Do we see you dancing in this film? Not really. Not really. But dance के अलावा बहुत कुछ है फिल्म के अंदर. अच्छा. हाँ. Move songs तो हैं थोड़ी बहुत. हाँ, romantic songs भी हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि लोग फिल्म देखने के बाद miss करेंगे कि dance नहीं था. हाँ, what I feel like. क्योंकि इतना मसाले full of entertainment है. मैंने इससे I mean like मैं कोई बड़ी बात नहीं बोली, लेकिन मैंने ऐसी फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में पहले नहीं देखी. तो नीलम, हम शो में अक्सर ना पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि आर यू सिंगल या क्या सीन है आपका, तो सबको पता है क्या सीन है. बड़ा पब्लिकली रिसेंटली हमें देखा था, नासिर खान जान की वीडियो आई थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि आपकी खिचड़ी पक रही है कोई आपस में. तो ये खिचड़ी क्या पक रही है और ये खिचड़ी कब पब्लिक के सामने आएगी? वो क्या था यार, बड़ा करीब बात है. नासिर खान जान ने पता क्या बोला, ये वो है ना जो ऐसे पठान बोलते हैं, डांस वांस भी करते हैं, उसका बलून वाला वीडियो बड़ा फनी था. उसने बोला कि मैं केला खाना छोड़ दूंगा अगर नीलम मुनीर मेरे साथ काम करेगा. तो आप काम करेंगे उनके साथ? यार आप कर लें, वो केले तो खाना छोड़ देगा. I mean वो इतना बड़ा सोशल मीडिया का स्टार है, कोई कुछ भी कह लो उसके लाइक्स और फॉलोवर्स बहुत हैं. एंड जब वो वीडियो बन के आई तो मुझे काफी लोगों ने व्हाट्सएप भी की थी. तो खिचड़ी वो ये पकड़ी है कि हो सकता है उसको फिल्म की प्रमोशन में या कहीं पे विल यूज. हाँ, डेफिनेटली. तो वीडियो खुद बनाई थी उन्होंने कि डिड यू वांट हिम टू मेक अ वीडियो? मेरी अक्सर बात होती रहती है. हाँ, इट्स नॉट कि नहीं होती. मैं जो भी इस तरह के कोई भी मुझे पेज अच्छा लग जाए, कुछ भी हो, सो यू नो, तो मैं आगे मैसेज कर देती हूँ. तो वो उसी तरीके से बात हो गई. अच्छा, हम शो पे ना जनरली सेलिब्रिटीज को उनकी पास्ट कुछ एम्बैरेसिंग वीडियोस दिखाते होते हैं, their reaction on those videos. Oh. Ahsan, I think knows what's coming towards him. Really? आपने देखा है? नहीं. मेरा लॉलीवुड में कोई गाना दिखा रहा है, कोई पुरानी. No, I think फिर ही मेरा होगा. नहीं नहीं. कौन सा? क्या? नहीं. Okay. I can bet. I know Momin a little bit. सही बता आपको. दुनिया में क्या मार डाल. I love this song. ये फिल्म थी सईद नूर साहब की. किस मतलब कब बनी? सईद नूर साहब की फिल्म थी, 2001 या 2 की होगी. और it was just the beginning of my career. बहुत चबी and all. या मुझे तो नूर साहब के पास मैं पहली बार गया ना, मुझे बोला कि पहले देखते रहे, मुझे बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हें मैं हीरो का रोल दूँ या बच्चे का रोल दूँ, और तुम 2 साल बाद आओ. और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा. मैंने कहा यार ये तो मुझे हीरो नहीं रख रहा. आई ऑल्सो वेंट टू समीना पीरजादा, उनकी इंतहा बहुत हिट हो चुकी थी तब. फिर नूर साहब ने कहा कि अब तुझे मैं चांस दे रहा हूँ फिल्म में, और क्या याद करेगा आ जा यार. सो दिस वॉज आई थिंक नूर भी थी इस फिल्म में, सोनू कोई लड़की थी, एंड साइमा भी थी फिल्म में. एंड वो लड़कियां मर्डर करती हैं जो उनको फिर रेप कर देते हैं, ऐसी भी फिल्म थी. एंड आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. गाना मजे का है मेरे दिया. सुनीलम आपकी वीडियो, आई वॉच दिस वीडियो. The first time you देखी आपने? हाँ, मैंने नहीं देखा पहले. अब I don't know फिल्म एशिया पे अगर चलता हो तो, लेकिन फिल्म एशिया पे चलता हो, YouTube पर भी है वैसे. सुनीलम आपके तो 9 points for guessing what video will show. एक ही वीडियो है, दिखाएंगे आपको. अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि when this video came out, what was your reaction? Sab, everybody's laughing. They're looking at me and they're laughing. When this video came out, what was your reaction when you saw the video? I lost my memory for 2 days. I swear. क्यों? Yeah, because I was not expecting. It was not for social media. Because obviously you're in a car. एक दोस्त होगी आपका नहीं, बहुत सारे लोगों तो ये डाउट था कि शायद किसी को मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छा। और बहुत सारे लोगों ये भी था कि खुद कर ली होगी, बट मोमिन अच्छा कि आपने ये बात की। आई वांट टू टेल यू कि इस वीडियो के बाद मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने काफी मेरे पीछे शायद बहुत कुछ बुरा भला बोला, बट हुआ यह कि मैं जब अपनी फिल्म की प्रमोशंस में निकली हूँ, एक यूथ, एक लड़का, एक लड़की ने जो है ना माहिवे को सपोर्ट किया है और बोला है और लिटरली मेरे साथ मूव्स भी किए हैं, सो व्हिच मींस कि मैं खुश थी, मुझे सेटिस्फेक्शन थी पहले भी कि यार इतनी सपोर्ट, बिकॉज आवाम की सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने कहा चलो फॉरगेट इट, लेकिन ये कि मेमोरी में इस तरीके से गायब हो गई थी क्योंकि जब ये वीडियो निकली तो उन दिनों में ये करीम शरीम के भी कुछ मसले चल रहे थे, बैन हो गए, और मैंने उसी दिन एयरपोर्ट ट्रैवल करना था और वहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी बैठे हुए, तो मुझे बाबर से देख रहे थे, मैं कहती यार ये क्या है, क्या हो रहा है, और मैं जहाज में बैठी और सब मुझे यूँ देख रहे हैं, ओके फाइन, अच्छा ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ मेरी अदाएं और क्या है, हाँ सिर्फ अदा है और क्या, ना कोई कपड़े छोटे हैं ना कोई लड़का साथ है, तो कुछ तो था ही नहीं उसके अंदर। तो लकीली शायद ये शोहरत मेरे नसीब की थी, व्हाटएवर यू से, यू नो आई डोंट नो। और फिर जब मैं लाहौर आई और मैं सो के उठी तो एंड आई वाज लाइक मैं कराची रहती हूँ लेकिन मेरा घर कहाँ पे, लिटरली मुझे अपने घर का एड्रेस याद नहीं आता, मुझे बहुत दिमाग में प्रेशर चल रहा था, हर कोई कुछ 4000 व्हाट्सएप मुझे मिल गए थे एंड आई वाज लाइक ओ क्या सीन है, क्या होगा, क्या सीन है, क्या होगा, बट थैंक गॉड सब कुछ अच्छा।